हमने कल मालेगांव महानगर पालिका के कमिश्नर को एक लेटर दिया था कि हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव साहब मालेगांव का दौरा 18 अक्टूबर को करने वाले हैं और एक जलसे का इनेकाद इसी ग्राउंड अजीज कल्लू स्टेडियम में रखा गया है शाम में 6 बजे से 9:30 बजे तक। तो आज कमिश्नर साहब नासिक होने की वजह से किसी मीटिंग में उन्होंने अपने आला अधिकारी इंजीनियर से और उपायुक्त को और सफाई इंचार्ज सबको भेजा और ग्राउंड का पूरा दौरा किया गया और समझा गया कि किस तरफ से लीडरान ग्राउंड में एंट्री करेंगे और किस तरफ से निकलेंगे और क्या पोजीशन है। मगर मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि इस शहर में तामीर और तरक्की का नारा लगाने वाले लोग अगर सिर्फ अजीज कल्लू स्टेडियम के आसपास आकर सिर्फ सड़कें देख ले तो इनकी पोल खुल जाएंगी कि मालेगांव शहर के हालात क्या हैं। कोई कौमी सदर आ रहा है उसके ऊपर क्या मैसेज जाएगा कि मालेगांव शहर में जो लोग इख्तदार में रहे उन्होंने इस शहर को क्या दिया कि आज हमें ये परेशानी है कि मालेगांव में सेंट्रल में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर हम एक बड़ा प्रोग्राम कर सके। यही एक जगह है जिसको सुधारने के लिए महानगर पालिका सहयोग करेंगी, पुलिस डिपार्टमेंट सहयोग करेगा और समाजवादी के कार्यकर्ता उसमें पूरा लगकर ये 8 दिन में कोशिश करेंगे कि इस हिस्से के आसपास की सड़कें कुछ हद तक दुरुस्त कर दी जाए कि लोग आराम से आ जा सके। एक तारीखी जलसा मालेगांव शहर में होने वाला है। अखिलेश यादव साहब पहली मर्तबा मालेगांव शहर आ रहे हैं और हम ये मानते हैं कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद इस शहर में इंडिया अलायंस ने यूपी में सबसे पहले बीजेपी को रोका और इंडिया अलायंस का अगर कोई मैन ऑफ द मैच रहा पार्लियामेंट के इलेक्शन में तो वो अखिलेश यादव साहब रहे और इंडिया अलायंस के मैन ऑफ द मैच अगर मालेगांव शहर में आ रहे हैं तो उनके इंतजाम बड़े पैमाने पर अच्छे तरीके से होना चाहिए, लोगों को आने जाने में तकलीफ नहीं होना चाहिए और एक शानदार प्रोग्राम इंशाअल्लाह हम मालेगांव शहर को देंगे। यहाँ पर अखिलेश यादव का जलसा होने वाला है, क्या आप नाम लेकर बता पाएंगे कि किन किन लीडरान को दावतनामे और किन किन मुस्लिम तंजीमों को दावतनामे देने वाले? नहीं, ऐसा है कि इंडिया अलायंस की पार्टी लीडरान की बात ऐसी है कि इंडिया अलायंस में जो जो पार्टियां मालेगांव शहर में है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मालेगांव से चुनकर आई है और दूसरे शहरों से भी अभी हमें मालूम मिली है कि कुछ इंडिया अलायंस के लीडरान आने वाले हैं, वो अभी हमें नाम वगैरह उनका नहीं मिला है। हम लोकल लेवल पे जो इंडिया अलायंस में है मालेगांव सेंट्रल में, मालेगांव आउटर में और आसपास, इन सबको हमारी जिम्मेदारी है दावतनामा देने की। बाकी जो है स्टेट गवर्नमेंट स्टेट पार्टी जो है रियासती पार्टी के जिम्मेदारान वो रियासती सतह पे लीडरान से बातचीत कर रहे हैं और जुमेरात के दिन दोपहर में महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान मालेगांव शहर आने वाले हैं नियोजन और इंतजाम समझने और देखने के लिए और उनसे ही समझेगा कि और कौन लोग इंडिया अलायंस के आने वाले हैं। लेकिन कुल मिलाकर एक बड़ा प्रोग्राम मालेगांव शहर में हो रहा है, ये प्रोग्राम मालेगांव शहर में हो रहा है मगर इसके असरात महाराष्ट्र भर में जाने वाले हैं और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में इस प्रोग्राम के बाद एक बदलाव की लहर बनेगी ऐसा हम मानते हैं। हम तमाम ही सामाजिक दीनी तंजीमें जो सामाजिक काम काज करती है हमारे जिम्मेदारान सबके पास दावतनामा लेकर जाएंगे और उनको इस प्रोग्राम में हम बुलाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आप तो कर पाएंगे कि इतना बड़ा गांव ग्राउंड को संभालना? मालेगांव शहर में ऐसा बोला जाता है कि अगर प्रोग्राम कोई कर सकता है तो वो सिर्फ निहाली लोग कर सकते हैं, इसलिए ये हमारे लिए चैलेंज है। हम दूसरों के प्रोग्राम करके देने वाले लोग हैं तो हमारा खुद का प्रोग्राम है।